मैं इन्हें दो बार अपना नाम लिखाया मैं बड़ी दुखदायक थी हूं भी कि मैं बोलना क्या बोलना मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हो गया अभी बह के प्रोफेसर साहब बात कोई नहीं बोल सकता मैं वाकई डर असं उसे बैठ के गल बात करते होंगे सी ते बोलना कि ना बोलना मेनू गल एक रेट होगी बी एक उसे सैमीनार हो गया असं एक चुटकला सिंथेसाइज किया सैमीनार होया तो उसे उन्होंने जो टॉपिक थी रोडेंट कंट्रोल चूहे किमें काबू च किया जाए नुकसान करते सैमीनार वे लोग अमरीकन बंदे से कहते कैमिकल कंट्रोल करो जल्दी होंगे अलमीनियम सल्फा सल्फाइड पाओ तो उत्ते ऑब्जेक्शन कर दिता पंजाबियों ने भी और सल्फास जी है ना चूहे तो बहुत साढ़े बंदे खाने यह भी गल उन्होंने रद्द कर दी फिर किसी होर बंद ने कहा भी ट्रैप्स लाओ एनवायरमेंट ला वो कहते बड़ा कंबरसम बड़ा प्रूव गल है ये असं नहीं कर सकते फिर एक बंदा सी कहता भी एक पास चूहे की खुट दे एक पास काजू रखो तो एक पास बदम रखो बेचारे छुरी लग गए अपना गलबार कटूगा सोचूगा भी काजू खावा कि बदम खावा काजू खावा कि बदम खावा छुरी ने कट टे बी वधिया फिर वह कहते जी बड़ा कॉस्टली आ काजू बदम बंद नहीं मिल रहे चूहा चूहे वास्ते अपने प्रोवाइड कर सकते हैं फिर अखीर च अपना किसान भाई उठा वो कहता जी बनाए लोग ना काजू रखो ना बदम रखो बेचारे छुरी आ गई चूहा बार अपने धौन कटूगा वह सोचूगा काजू नहीं है बदम भी तो मैं गल करती सी शुरू करने से डायस्पोरा से मैं ब्रीफली गल लगावा क्योंकि मैं बहुत सारा कुछ भुल गया थोड़े सारे विचार सुन के किसी ने मैंने कहा कि अपना जरा ना फर्स्ट पंजाबी इमीग्रेंट कॉन्फ्रेंस में चाहिए पर इमीग्रेंट सिर्फ वो होंगे जिद को इमीग्रेशन हो जरा बाय लॉ इमीग्रांट हो उत्थे अपने रिफ्यूजी वीर भी है उत्थे अपने सिटीजन लोग भी है उत्थे अपने वर्क परमिट स्टूडेंट सारे है डायस्पोरा बनता जाए बिजनेस वाले लोग भी है फिर एक इमीग्रेशन कई प्रकार की होंगी है जी मैं सब तो चिंता चिंता का विषय पाती इमीग्रेशन वो है जिन्होंने असं दूजे लफ्जों में ब्रेन ड्रेन कह सकते ब्रेन ड्रेन क्यों होंगे कोई भी बंदा जो इतने एम ए पास आ जा पी एच डी की हुई है उस बंदे की दिक्कत पी आ बाहर वो बंदा इतने घटो घट बेसिक नीड्स किसी तरह भी जुटा सकता मेरा नहीं ख्याल कि बंदा कोई कोई बहुत ही कोई एक्सट्रीम कंडीशन हो बंदा वो जा सकता भी ठीक है भी बंदा फेल हो गया या बंदा उन्हें सुसाइड कर दिया कोई कई यह एक्सेप्शनल केसेस होंगे पर जरूरी क्यों जाने अपने जर्मी लोग बाहर जाते पढ़ के हरेक बंद ने अपना पॉइंट सिस्टम देख मिले बाहर चले जाना यह क्यों होंगे पहला पहला इमीग्रेशन होंगी सी भुख करके कि असं भुखे मरते हैं काल पिया हुआ सारिया जमीन घर गई थोड़ी तो असं चले गए हूँ हूँ यह क्यों होंगे हूँ यह उन्होंने फैसले करके होंगे एक इमीग्रेंट उसे जाता सारी उम्र अपनी अपनी पे का कभी कर मैं अपनी पे का सारे वो ला के टैक्सेस पे दूसरे बेनीफिट सारे ला के 50% घटो घट में अपनी अपनी पे का सरकार को देखो जिसमें यूनियन चल रही है तो यूनियन का अच्छा कोई काम नहीं बिल्कुल फ्रॉड सिस्टम आज यूनियन कहते हैं सो जो समस्याव ने यह डिस्कस कर भी बन गई भी इमीग्रेशन क्यों होती है क्योंकि इमीग्रेशन यह साड़ी लोड़ नहीं है यह इमीग्रेशन उन्हों की लोड़ है वो सानू लूर कर रहे फिल्मा थाने मीडिया थाने बाकी साढ़े अपने भाई जे इतने मतलब व्डिया व्डिया गड्डिया लिया के बड़े बड़े कैंठे पा के दसते हैं इदा 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 भी उतना झाड़ में लगते एक गल फौड़ी है एक गल सच्ची है पर कहीं किसी ने नहीं
ਬਾਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਫਲੋ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਨੀ ਪਰ ਪੇ ਚੈੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਰੀ ਫਿਲਥੀ ਪੇ ਚੈੱਕ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚਾਰਟ ਫਲੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਵਰੇਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਯੂਐਨ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 50% ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਐਵਰੀਜਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਵਰੀਜਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50% ਯੂਥ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਡਾਇਸਪੋਰਿਕ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਪ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਹੁਤਾ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਸਟ ਏਡਰ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਏਡਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਛ ਨੇ ਫਸਟ ਏਡਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ